ओके हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है एक बग कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं रिएक्ट डेव टूल्स यूज़ करके, वो हम लोग सीखेंगे। तो रिएक्ट डेव टूल्स एक टूल है जिसे यूज़ करके हम लोग डिबग कर सकते हैं रिएक्ट ऐप्स को, पता कर सकते हैं अगर उसमें बग है या नहीं है, स्टेट या प्रॉप्स को हम लोग देख सकते हैं लाइव। तो वो एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया। आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्ट डेव टूल्स, और एक बार जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो रिएक्ट करके आप राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्ट टैब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये टैब हम लोग जो है मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे एलिमेंट्स टैब वर्क करता है, पर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डॉम एलिमेंट के बजाय यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंट देखते हैं। और जैसे ही मैंने ऐप कॉम्पोनेंट पर क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का प्रॉप्स या स्टेट दोनों दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ऐप के अंदर मैं टू डू आइटम पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं बता रहा है कि इसका प्रॉप्स यहाँ पर टू डू है और इस तरीके से प्रॉप्स इसे अवेलेबल है, पर इसका कोई स्टेट नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई स्टेट वो दिखा नहीं रहा है। और मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है प्रॉप्स ऐड टू डू स्टेट फंक्शन है और उसका एक स्टेट है टू डू टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू डूज़ में दो वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहले में कम्प्लीटली फॉल्स है बाय मिल्क में और बाय एग में ट्रू है, इसलिए वो आप यहाँ पर यूआई में देख पा रहे हैं। पर अगर मैं इधर नया वैल्यू इधर ऐड करूँ बाय चीज़, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड इंडेक्स पर मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कम्प्लीटेड फील्ड इधर है ही नहीं। ठीक है, नहीं उसके बजाय अगर फिर भी मैं इधर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बराबर वर्क करेगा बिकॉज कम्प्लीटेड फील्ड नहीं होने से, और क्योंकि वो फॉल्सी वैल्यू है इसलिए वो ट्रू पे बदल जा रही है जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो पर ये बग है राइट, बिकॉज इवन दो ये ऑब्वियस नहीं है पर हम लोग को इसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो हम लोग डेव टूल्स यूज़ करके देख पाए यहाँ पर बिकॉज स्टेट हम इजीली देख पा रहे थे। तो अभी यहाँ पर ऐड न्यू टू डू स्टेट में मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर टेक्स्ट जो ऐड कर रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इधर ऐड करूँगा कम्प्लीटेड इक्वल्स टू फॉल्स, बिकॉज अभी अभी हमने क्रिएट किया है तो ऑफकोर्स वो फॉल्स ही रहेगा, इसलिए मैं उसे फॉल्स ऐड कर देना। अब यहाँ पर टू डूज़ में एक नया वैल्यू इधर ऐड करूँगा बाय चीज़, अब मैं उस पर ओपन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कम्प्लीटेड फॉल्स इधर अवेलेबल है। और रिएक्ट डेवटूल्स बहुत ही हैंडी फीचर है रिएक्ट का, और मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ। बाय।